इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। डॉक्टर साहब, अब आप मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है यहाँ पर? देखिए, हंग असेंबली आई है, फाइनल रिजल्ट्स आने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। आखिरकार कहाँ पे चूक हुई? चूक नहीं हुई। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि कश्मीर में जिस प्रकार से जो इंडिपेंडेंट जो प्रकार के लोग थे, वो शायद जो उनकी स्ट्रेटजी थी या जिस प्रकार से बाकी पार्टियां पीडीपी जैसे वो कर नहीं पाई, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पोलराइज हुआ है। लेकिन जहाँ तक जम्मू का बात है, हमने पिछले बार हमारी 25 सीट थी, अभी 29 आई हैं, तो इसलिए हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। वोट परसेंटेज भी हमारा नंबर वन पर हम हैं और हंग असेंबली है, बनी है। समीक्षा बैठक की जाएगी कि आखिरकार कहाँ पे चूक हुई है? चूक नहीं हुई, हमने बहुत अच्छा किया है और आने वाले वक्त के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को हम पर विश्वास है। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो उसने संकल्प पत्र में दिया है, उसके लिए अपने तरीके से पूरी कोशिश करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगले मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला होंगे। ये उनकी पार्टी की बात है, उनके बेटा है, बाप बेटे में से किसी ने, पोता भी ने अभी इतना हुआ नहीं, मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन वो उसको बनाते, तो इसलिए वो जो है मुबारकबाद देंगे इनको। देखिए, हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है इतना वोट डाला है और बहुत ही अच्छा जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में लोगों ने विश्वास किया, और ये क्रेडिट मोदी जी को जाता है, केंद्र सरकार को जाता है कि वो लोग जो 87 के बाद जमायत इस्लामी जैसे लोग कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे, अभी प्रॉक्सी उन्होंने खड़े किए और जिस प्रकार से जो लगाबाद में भी विश्वास करने वाले थे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं, भारतीय संविधान को उन्होंने स्वीकार किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारतीय लोकतंत्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह को सुन सकते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और बता रहे हैं कि तकरीबन 29 सीट जो है वो जम्मू से बीजेपी जीत रही है। तो वहीं ये इतना साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनने जा रही है, और जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आया है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री जो है वो उमर अब्दुल्ला बनेंगे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।